हे गाइस एंड वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनलानू सो वेलकम टू पार्ट थ्री ऑफ द ईवीएस वीडियो तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ईवीएस में इससे पहले मैंने आपको बताया था सुनीता विलियम्स तक जो कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं सो so, यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे इंडिया के बारे में सो so, इंडिया अपोजिट लॉन्गिट्यूड में है अर्जेंटीना के सो so, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो so, अर्जेंटीना से आज भी क्वेश्चन आया हुआ था नाइनटीन सितंबर दिसंबर की मैं बात करी जनवरी की सो नाइनटीन जनवरी को भी पेपर में ये ये आया हुआ था कि आपका जो इंडिया के अपोजिट लॉन्गिट्यूड में है वो कौन सा है आपका ठीक है so, सो इसका आंसर आपको टिक करना होगा अर्जेंटीना ओके नेक्स्ट हम अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे तो so, अलबरूनी क्या था एक ट्रेवलर था जो कि था उज्बेकिस्तान से एंड अलबूरी जो था वो बहुत ही मतलब यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा चीजों को देखा उसने बहुत ही सारी आ, उसने मेनली जो राइड किया था पॉइंट्स के बारे में राइड किया था पॉइंट ऑफ दैट टाइम जैसे उसके उसने बहुत सारी चीजें लिखी भी थी और बहुत सरप्राइज हुआ था यहाँ की चीजों को देख करके बिकॉज वेरी लार्ज हैवी स्टोन आर अटैच टू द आयरन बूस एंड सरियाज आटर मेर अराउंड द पॉन्ट उस टाइम की बात कर रही हूं मैं आपको कि उस टाइम पे इतना अच्छा ये चीज बनाई थी इंडिया में कि वो देख के अमेज हो गया था और उसने अपनी उसके उसके बारे में उसने अपनी बुक में भी लिखा था कि ऐसे ऐसी चीजें यहां बनाई जाती हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गर्ल स्टार शाइनिंग स्टार के बारे में चपकता सितारा तो सूर्यमणि मनी, सूर्यमणि मनी जो है उसको हम शाइनिंग स्टार बोल रहे हैं गर्ल स्टार जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज ऑफ अ ऑर्डिनरी गर्ल जिसने की चेंज कर दिया स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी उसने ठीक है सूर्यमणि जो थी ही शी वांटेड टू बिकम टू सिंग देयर सॉन्ग्स मतलब वो सॉन्ग्स गाती थी फेस्टिवल वगैरह पे कि लोग उन्हें भूल ना जाए उनकी जो uh, जो चीज वो कास्ट की जो भी प्रजाति की वो थी ठीक है वेयर देयर क्लोथ्स

यूज कर रही थी कि बच्चे उसको भूले ना ठीक है और एज सुन एज यू लर्न योर लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज ऑल्सो रिलेटिव बेटर लैंग्वेज टू इट ऑल ऑफ दिस द टोरांग सेंटर टोरांग सेंटर पे भी होता था तो तोरांग में स्पेशल बुक्स अबाउट द कुरुक सोसाइटी तो तोरांग में कुरुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है गाने बजाने की कई चीजें जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो फ्लूट्स हो गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स हो गए ठीक है तो सूर्यमणि जब 21 इयर्स की थी तो उसने ओपन किया एक सेंटर जो कि वसावत दीदी के साथ उसने ये खोला था और इसमें क्या था कि उसने जगह का नाम रखा था तोरांग और तोरांग जो है यहाँ पे मेन आपका क्वेश्चन आता है तोरांग को कु लैंग्वेज में कहते हैं फॉरेस्ट अब हम देखते हैं केरला के बारे में सो केरला क्या है टपियोका टेपियोका जो होता है आपका वो आता है आपका बनाया जाता है ये डिश होती है जो कि एक तरीके का फ्रूट होता है दैट बॉयल केरला बॉयल एंड ईट ठीक है टेपियोका के बारे में आएगा तो आप टिक करके आएंगे केरला ठीक है अब हम केरला के बारे में कुछ चीजें और यहाँ पढ़ेंगे तो केरला से रिलेटेड आपका आता है एक वल्लम जो कि वल्लम एक, एक स्मॉल वुडन वोर्ड होती है और मलयालम लैंग्वेज यूज की जाती है केरला में आपका मलयालम में मदर सैल्डर सिस्टर को कहते हैं बल्लीअम्मा जिसे मासी जैसे हो गई और ग्रैंड मदर को यहाँ पे कहते हैं अमम्मा ठीक है अंकल को चितप्पन कहते हैं आंट को कुंजम्मा कहते हैं एंड फादर को अप्पा कहते हैं आपने सुना भी होगा बहुत जगह ठीक है नेक्स्ट हम फेरी बोट भी जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी होती है वल्लम के कंपैरिजन में तो वो क्या है वो भी केरला की ही है तो दोनों का आपको नाम याद रखना है केरला को हम गार्डन ऑफ स्पीशीज स्पाइसेस भी कहते हैं देन कथकली डांस जो है आपका केरला का है कथक और कथकली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कथक जो है हमारा यूपी का है उत्तर प्रदेश का है और जो कथकली है आपका वो केरला का है ठीक है वेजिटेबल इज मेड फ्रॉम द बनाना फ्लावर वेजिटेबल जो है वो बनाना फ्लावर्स के बनते हैं यहाँ पे और कोकोनट ट्रीज जो होते हैं बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि आपने देखा है उस बहुत ज्यादा कोकोनट यूज होते भी है और नियरेस्ट स्टेट अगर आपसे केरला का पूछेगा तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका होगा और केरला का जो कैपिटल होता है यहाँ पे वो तिरुवनंतपुरम होता है ठीक है सो so ये आपको याद रखना है अगर आप यहाँ पे गुजरात से यहाँ पे केरला जाएंगे तो कौन कौन से स्टेट बीच में पड़ेंगे महाराष्ट्र पड़ेगा एन कर्नाटका पड़ेगा ओके ये याद रखना है एंड कोजिकोड भी कहा है कोजिकोड भी केरला में है आपका ठीक है नेक्स्ट हम और भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ बात करेंगे जो यहाँ पे है मल्लापुर मल्लापुरम सो मल्लापुरम भी आपका केरला में है जब आप गोवा से केरला जाओगे सो उसके बीच बीच में कौन कौन से स्टेट पड़ रही थी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका अभी मैंने आपको बताया था ठीक है और इसमें जब जाते टाइम रूट पे नाइनटी टू टनल्स पड़ेंगे एंड टू थाउजेंड ब्रिजेस भी पड़ेंगे ठीक है देन तमिलनाडु जो है वो लोकेटेड है आपका साउथ इंडिया में साउथ साइड में आपने मैप में देखा भी होगा और जो यहाँ पे तमिलनाडु की नेबरिंग है वो है केरला कर्नाटका एंड तेलंगाना ओके अब हम बात करते हैं असम का जो कि बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहता है हमारा सीटेट वालों का सो so, यहाँ पे असम जो है वहां पे जो हाउसेस बनाए जाते हैं वो टेन टू ट्वेल्व फीट ऊपर बनाए जाते हैं ग्राउंड के अबव क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से बारिश घर के अंदर ना आ जाए इसी वजह से घरों को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है ठीक है एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे ज्यादातर यूज किया जाते हैं बैंब एंड वुड अंदर ठीक है एंड बैंबू एंड रोप ब्रिजेस बिल्ड किए जाते हैं असम में और इट इज वेरी रेनी समटाइम्स वॉटर जस्ट गेट फिल अप टू द नीज बहुत ही ज्यादा बारिश की वजह से हमारे नीज तक पूरा पानी घुटनों तक पानी भर जाता है और यहाँ पे बैंबू को बोला जाता है टेम्बर ऑफ द पुअर ठीक है गरीबों का टिम्बर बोला जाता है ये याद रखना है आपको दे यहाँ पे माघ बिहू सेलिब्रेट जो होता है ये देखिये सेलिब्रेटेड ऑन द फोर्टीन एंड फिफ्टीन जनवरी द फर्स्ट सेकेंड डेट ऑफ द माघ एंड टेंथ मंथ ऑफ द असामीज कैलेंडर जो फर्स्ट जे होता है उसका पहले दिन को कहते हैं उरुका उरुका कहते हैं इसको इस दिन क्या होता है टेम्परेरी शेड मतलब छप्पर बिल्ड किए जाते हैं जिसे हम भेलगढ़ कहते हैं सो so, भेलगढ़ कहाँ का है आपको याद रखना है आसम का है एंड मास फीस्ट इज ऑर्गेनाइज बोरा बोरा जो होता है एक वेराइटी होती है आपकी राइस की जो कि खाई जाती है असम में सो so, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है आपका ठीक है एंड जो स्टिकी हो जाता है कुकिंग के बाद थोड़ा सा स्टिक्की हो जाता है चिपचिपा हो जाता है तो बोरा क्या है एक वैरायटी है राइस की जो आसाम के लोग खाते हैं तो यहाँ पे एक और चीज आती है बिहू फेस्टिवल कहाँ का है तो बिहू फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो आसम पे किया जाता है जब न्यू क्रॉप जो होती है वो हार्वेस्ट की जाती है और भेला हाउस किससे किससे बन के बना होता है ग्रास से एंड यहाँ पे बैम्बू से और यहाँ पे चेवा राइस भी बहुत फेमस है मतलब चेवा चावल यहाँ पे पुट द टाव कढ़ाई ऑन फायर एंड बॉइल्ड वाटर इन इट एंड पुट इट ऑन द एम्ब्रॉयडरी फिल्ड विथ सोक्ड राइस एंड कवर्ड इट विथ बनाना लीव्स बनाना लीव से इसको कवर्ड कर दिया जाता है ओके देन नेक्स्ट क्या है चेवर राइस के बारे में है वुमेन जो है वो वियर करती हैं येलो क्लॉथ्स को वेयर करती हैं एंड गर्ल्स जो है वो वियर करती हैं कलरफुल मेखला शीट्स ओके वुमेन जो है वो येलो क्लॉथ्स वेयर करती हैं एंड गर्ल्स जो है वो वियर करती हैं कलरफुल मेखला शीट्स को एंड भात सुक्तो भात सुख्तो को क्या कहते हैं राइस एंड स्टॉक वेजिटेबल ओके भात सु को कहेंगे राइस एंड स्टॉक वेजिटेबल अब हम राजस्थान की बात कर ले तो so, राजस्थान क्या है वहां पे घर जो बनाए जाते हैं वो क्ले से बनाए जाते हैं और वॉल्स जो होती है वहां की बहुत ही ज्यादा थिक होती है इससे भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ की जो वॉल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा मोटी मोटी होती है तो ये यही की राजस्थान की होती है जिसे दैट मेड ब्यूटिफुल बाय लीपिंग वेसल्स एंड दे थॉर्न्स थॉर्न्स बॉ से मतलब कटीली झाड़ियों से बनाते हैं ठीक है और यहाँ पे टैंक को कहते हैं टैंका ठीक है टांका, नेक्स्ट इन द कोर्ट गार्ड दे बिल्ड अ टैंक वाई द डिगिंग होल्स इन टू द ग्राउंड ग्राउंड में होल्ड uh, करके उसमें फिर क्या करते हैं स्लोप ऑफ देर रूफ सो दैट जो कि बारिश होते टाइम जो भी स्लोप से पानी आता है उनके रूफ से उनका रूफ स्लोप ही बना देते हैं कि जो भी बारिश आएगा वो जाएगा उनके टैंक में और जब बारिश नहीं होती है इट रेन्स वेरी लिटल क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत कम बारिश होती है इसलिए हम यहाँ पे लोग टैंक का यूज करते हैं अब हम टेकला विलेज की बात करते हैं तो टेकला विलेज कहाँ है टेकला विलेज इज सिक्सटीन हंड्रेड मीटर हाई, विच इज इन झलरा चर्रा पतन या झलवार ऑफ राजस्थान में है ये टेकला विलेज ओके जो पीपुल है खेजड़ी विलेज की खेजड़ी विलेज जो है आपका जोधपुर में है एंड राजस्थान अप टू ट्रीज 300 हंड्रेड इयर्स अगो टू सेव देम फ्रॉम कटिंग कटिंग से बचाया जाता है अभी भी जो 3000 थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर्स के बाद की भी मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पीपुल है उन्हें हम बिजनोइस कहते हैं सो बिजनोइ क्या है सेंसिटिव है ट्री को लेकर के और वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को प्लांट्स को सबको प्रोटेक्ट करते हैं एंड यहां पे हंटिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज प्रोहिबिटेड है इस एरिया में आपका एंड स्पाइड ऑफ बींग इन डेजर्ट जो यहाँ पे विलेज है वो लश ग्रीन है मतलब कि रेगिस्तान में गांव जो है वो हरा भरा है भले ही कम बारिश हो रही हो हेयर एनिमल्स आर रोम अराउंड विथाउट एनी fear मतलब जो एनिमल्स हैं वो बिना डर के कहीं पे भी घूम सकते हैं क्योंकि वहां पे हंटिंग वगैरह सब कुछ मना है एंड खेजली ट्रीज जो है वो आर फाउंड इन द खेजली विलेज खेजली विलेज में यहाँ पाए जाते हैं जो कि ये फार्म सिर्फ डेजर्ट एरिया में ज्यादातर पाए जाते हैं क्योंकि इनको क्या है पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है और इनके बाघ से जो इनका छाल होती छाल होती है ठीक है उससे दवाई बनाई जाती है मेडिसिन बनाई जाती है एंड जो वुड होती है उसमें उसमें कीड़े नहीं लगते हैं वॉर्म नहीं लगता है वेजिटेबल्स भी बनाई जाती है इनके फ्रूट से एंड एनिमल जो इन पर रहते हैं वो ईट कर लेते हैं इनकी लीव्स खा लेते हैं ठीक है थीके? अब नेक्स्ट बिहार बिहार में मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आता है सो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की है एंड ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल एंड हैप्पीनेस मेनी काइंड ऑफ पेंटिंग्स मेड ऑन द वॉल सो यहां पे जो मधुबनी पेंटिंग होती है वो पाउडर पेस्ट ऑफ राइस से बनाया जाता है इसमें बहुत इंडिगो टर्मरिक फ्लावर ट्रीज कलर्स का भी यूज होता है और इसमें जैसे कि ह्यूमंस के साथ साथ में मतलब इन पिक्चर बनाई जाती है जिसमें कलर्स किया जाता है ह्यूमन होते हैं एनिमल होते हैं ट्री होता है फ्लावर बर्ड फिश सब कुछ होता है और मधुबनी पेंटिंग आपका एक ट्रेडिशनल आर्ट है एंड मधुबनी पेंटिंग इज वेरी ओल्ड एंड इट्स नेम गेट्स इज नेम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट नाम है एक बिहार में तो उसी से इसका नाम पड़ा है मधुबनी पेंटिंग मनाली मनाली के भी हाउस कैसे होते इस इसपे क्वेश्चन आता है सो मनाली के यहाँ हाउस की बात करें क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत कम बारिश होती है और स्नो बहुत कम होती है सो उसकी वजह से क्या होता है हाउसेज आर मेड जो यहाँ घर होते हैं वो स्टोन और वुड से बनाए जाते हैं विद अ रूफ ओके एंड उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इत्र बनाया जाता है मीज परफ्यूम बनाए जाते हैं एंड रोज वाटर से केवड़ा से वो प्रिपेयर करते हैं उसके फ्लावर से एंड उत्तर प्रदेश में जो वेजिटेबल होते हैं वेजिटेबल ऑफ कचनार फ्लावर्स तो उनसे क्या होता है उनसे वो चीजें खाई जाती है बहुत ज्यादा वहां पे बनाया जाता है और मैंने कथक आपको बताया था कथक गली भी बताया था कत्थक बता रही हूँ यहाँ पे उत्तर विदेश का है ठीक है दोबारा देन उत्तराखंड को क्या सिंपल आपको जानना है वैली ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है यहाँ पे रेड फ्लावर इन द बुशे समवेयर बिटवीन द स्टोन मतलब हो जाते हैं फ्लावर्स लगे रहते हैं एंड ये चीज आप पूरी रीड कर लीजिएगा यहाँ फ्लावर ब्लूम्स करते हैं एंड नेक्स्ट अबू धाबी मेन इंपॉर्टेंट है आपका अबू धाबी की करेंसी जो दिरहम होती है ठीक है और इसको सैंड माउंटेन सैंडून्स कहाँ पे है बोला जाता है कि सैंडूंस कहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है तो अबू धाबी आपको पता होना चाहिए एंड ये भी क्या है डेजर्ट एरिया है आपका यहाँ पे लैंग्वेज अरेबिक यूज होती है जो यहाँ पे ऑयल जो यहाँ पे वाटर वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है बिकॉज यहाँ पे लेक्स रिवर्स कुछ भी नहीं है यहाँ ऑयल जो है सैंड के अंदर वो ऑयल पाया जाता है यहाँ पाम ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं सो ये कुछ पॉइंट जो आपको रिमेम्बर रखने याद रखने उसके बारे में अब हम लद्दाख पे चलते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं सो कोल्ड डेजर्ट कहते हैं लद्दाख को लद्दाख हम लोग कैसे जाएंगे सो so पहले हमें क्रॉस करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर तब हम पहुंचेंगे यहाँ पे लद्दाख पे ठीक है द हाउसेज इन लद्दाख आर ऑफ स्टोन यहाँ पे स्टोन के घर होते हैं जिनका रूफ एंड फ्लोर फ्लॉवर फ्लोर जो होता है वो क्या होता है वो वुड से बना होता है लकड़ी से बना होता है यहाँ पे भी क्या होता है बारिश बहुत ज्यादा कम होती है तो यहाँ पे ट्रीज पाए ही नहीं जाते हैं ठीक है और बिल्डिंग जो होती है बिल्डिंग ऑफ वन और टू फ्लोर्स की बनी हुई होती है जो कि हाउसेस हैं वो स्टोन से बने हुए हैं और जो इनकी वॉल है वो मट से और थिक लेयर ऑफ चूना से बनी होती है माउंटेड ऑन इट ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे लीडर्स यूज किए जाते हैं जो नेक्स्ट थिक ट्री ट्रंक हेल्प करता है स्ट्रेंथनिंग द रूफ जो ट्रंक होता है ट्री का वो स्ट्रेंथ करता है मतलब मोटे पेड़ का तना छत को मजबूती बनाने मजबूत बनाने में मदद करता है ठीक है जो एनिमल्स होते हैं यहां पे पूछा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं उसको कहाँ रखा जाता है ठंडियों के रीजन में तो वेन इट्स टू कोल्ड दे दैम सेल्व कम टू द ग्राउंड फ्लोर जहां वो एनिमल को रखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से तो वो भी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं पहले वो ऊपर वाली फ्लोर पे रहते हैं बट बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो वो भी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं एनिमल्स के साथ ही एंड दीज पीपुल ड्राई ड्राई फ्रूट इन समर सीजन एंड यूज एम इन विंटर फ्रूट को ड्राई कर लेते हैं समर सीजन के समर सीजन में और यूज करते हैं इनको विंटर के लिए एंड लद्दाख जो है उसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है इंडिया में एंड द कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया आर नॉट इफेक्टेड बाई द मॉनसून बिकॉज ये बहुत ज्यादा ऊपर वाले एरिया में रहता है आपका नॉर्थर्न हिमालयन री तो ये हिमालयन रीजन में रहता है आपका सो so, यहाँ पे जो मानसून रहता है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्ट छाया में पड़े रहते हैं ठीक है अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि लोग यहाँ पे इनको मिलता क्या क्या है सो यहाँ पे उनको मिलेगा रेड चिली ऑरेंज पम्पकिन गोल्डन येलो कॉर्न ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं और जो कारगिल जो होता है वो भी इसी एरिया में पाया जाता है फ्रॉम श्रीनगर टू लद्दाख नेक्स्ट यहाँ पे जो पाथ होते हैं हो, बहुत ही ज्यादा नैरो होते हैं मतलब सकरे सकरे रास्ते होते हैं और यहाँ पे जो लोग टेंट लगा के रहते हैं जो तो टेंट उनका होता है तायलॉन का यहाँ पे लद्दाख में वेलकम को कहते हैं झूले झूले ठीक है ट्रॉली यूज होती है अगर कहीं आपको क्रॉस करना है तो स्विंग होती है जो कि वुड से बनी होती है जो कि क्रॉस करने के लिए बनी होती है लद्दाख में देन स्किट पॉपुल स्टिक पॉपुल क्या होता है स्किट पॉपुल विलेज है ये लद्दाख में अब इन पे क्वेश्चन आता है चंगथांग पे तो चंगथांग क्या है एलिवेटेड प्लेट्यू है इन वेस्टर्न एंड नॉर्थन तिब्बत एंड सिचुएटेड आपका एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर विच एक्सटेंड सम समॉट टू द साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ द लद्दाख रीजन इन ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट अ सिंगल पेट्रोल पंप मतलब यहाँ पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं है एंड स्पीशीज को यहां पे कहते हैं चंगपा अब चंगपा में टोटल लोग रहते हैं फाइव थाउजेंड एंड ये रोम करते हैं अपनी शिप्स एंड गोट्स को तो इसपे भी क्वेश्चन आता है कि उनके टेंट को क्या कहते हैं तो रेबो कहते हैं उनके टेंट को ठीक है विंड जो होती है वो इतने इतनी, इतनी uh, किलो स्पीड से वो ब्लो करती है सेवेंटी किलोमीटर पर आवर मूव इन अ विंड जो लैंग्वेज होती है चंगपा की वो चंग थान होती है मतलब कि जहां पे बहुत ही थोड़े लोग रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे चंग थान सो so, यहाँ पे रेबो का मतलब होता है कि टेंट ठीक है वेन दे आर अकाउंटिंग वेन दे आर कीप goat गोट एंड according अकॉर्डिंग टू दाउंटिंग वॉल्स आर मेड जो वॉल्स होती है वो स्टोन्स की बनी हुई होती है और यहाँ पे एवरी मतलब हर एक फैमिली के पास अलग अलग सिम्बल होता है जैसे कि उनकी उनके कुछ बकरिया वगैरह है तो उनमें कुछ सिंबल वो लोग बना देते हैं स्पेशल टाइप का कि वो पहचान पाए कि वो उनकी शिफ्ट उनकी गोट है ठीक है वुमेन और यंग जो गर्ल होती हैं वो टेक केयर करती हैं यहाँ पे एनिमल्स का अंग्रेज कराने का और वापस उनको लेके आने का और काउंट करके वापस से उनको अपनी जगह बांध के रखने का ठीक है तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो गोट को ग्रेस कराने के लिए हाइट पे जाते हैं कूल प्लेसेस पे जिससे कि क्या होता है ठंडी जगहों पे उनके जाने से जो तो गोट के हेयर होते हैं वो थिक हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं सो उसी के हेल्थ से यहाँ पे क्या बनाया जाता है वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल बनाई जाती है सो पश्मीना शॉल जो होती है वो गोट हेयर से बनाई जाती है जो कि चंकपा के पीपल बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है जो तो गोट है गोट फ्रॉम विच सॉफ्ट पशमीना वुल इज फाउंड रिमेन एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5000 मीटर मतलब जिन बकरियों से मुलायम पशमीना ऊन मिलता है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं ठीक है जैसे टेम्परेचर जो है यहाँ पे कोल्ड रीजन का तो वो जीरो डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक रहता है माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक ठीक है तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखने वाली है कि बहुत ज्यादा ठंडी रहती है और जो उनके जो कोट होते हैं कोट ऑफ हॉट एयर इज फॉर्म ऑन द गोड्स बॉडी ठीक है जो बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है इसमें कुछ साल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं मतलब जो यहाँ पे Uh, उनके गोट के जो अब बाल रहेंगे वो क्या होता है समर सीजन पे गिरा देती है और ये जो गिरा देती है इन्हीं से यहाँ बनता है पश्मीना शॉल तो हमारे बाल का उनके बाल का गुना होता है मतलब कि वन ऑफ हिज हिज हेयर इज इस सोच मतलब उनका बाल इतना पतला होता है कि हमारे बाल के छह गुना के बराबर है वो चीज नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो तो शॉल होती है वो हाथों से बनाई जाती है मतलब हैंड से बनाई जाती है हैंड वीविंग होती है यहाँ पे और इसको टाइम लगता है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आवर्स लगते हैं पश्मीना शॉल बनाने के लिए और बहुत ही ज्यादा गर्म होती है मतलब ये सिक्स स्वेटर्स के बराबर होती है आपकी ये पश्मीना शॉल नेक्स्ट हम देख लेते हैं श्रीनगर के बारे में तो श्रीनगर क्या है यहाँ पे हाउसेस बनाए जाते हैं हाई माउंटेन्स पे इसमें भी स्टोन का यूज होता है ब्यूटीफुल वुडन डिजाइन होता है एंड हाउस बोट होती है दैट कैन बी अबाउट 80 फीट लॉन्ग होती है मतलब 80 फीट लॉन्ग होती है और एट टू नाइन फीट क्या होती है ये वाइड होती है हम्म hmm. देन डोंगा बोट फाउंड इन दल लेक दल लेक डल झील में पाई जाती है झेलम लिवर में तो ये बहुत ही फेमस भी है तो आप सबको पता भी होगा एंड उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं उसके अंदर और जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वुडेन डिजाइन भी होता है जिससे कि हम बोलते हैं ख़त्म बंद खत्म बंद बोलते हैं तो ये आपको याद रखना इससे भी क्वेश्चन आता है कि सुंदर डिजाइन होता है अंदर उसे क्या बोलते हैं खतम बंद बोलते हैं और जो यहाँ पे विलेज होता है द विलेज ऑफ द कश्मीर हाउसेज वर मेड ऑफ स्टोन एंड हैव अ स्लोपिंग रूफ मैंने आपको ऑलरेडी कश्मीर के बारे में बताया था कि कैसा उनका घर होता है स्टोन का और स्लोपिंग रूफ होती है एंड ओल्ड हाउसेज जो होते हैं उसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ विंडोज होती हैं जो कि फाउंड ऑन द वॉल्स स्वेयर डू दे गो दे हैव अ ब्यूटिफुल डिजाइन और बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन होता है सम होल्ड हाउसेस कुछ पुराने हाउसेस होते हैं यहाँ पे जो कि स्टोन से और ब्रिक्स से वुड स्टोर होते हैं विंडोज भी यहाँ पे ब्यूटीफुल आर्ट्स होते हैं ठीक है और यहाँ पे कश्मीर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग बनाते हैं मछली जो कि मस्टर्ड ऑयल की हेल्प से बनती है सो यहाँ मस्टर्ड ऑयल याद रखना है आपको क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंस करके कोकोनट ऑयल करके यहाँ पे आपका आंसर बदल जाता है जो शिकारा बोट होती है वो अट्रैक करती है टूरिस्ट को यहाँ आने के लिए देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज होता है अभी यहाँ पे गोवा की बात आ गई तो यहाँ कोकोनट ऑयल यूज होता है सो यही डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है एंड जो यहाँ पे कहवा है कहवा जो है वो स्पेशल टी होती है तो ये कश्मीर में ही यूज होती है एंड उर्दू एंड डोगरी क्या है एक स्पेशल लैंग्वेज है कश्मीर का अब हम देख लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पोचमपल्ली पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है जो कि पीपल वीविंग के लिए यूज होता है पोचमपल्ली एंड कलमकारी दोनों नाम आपको याद रखने हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं नाला मंडा नालामंडा आपका कहाँ है आंध्र प्रदेश में है एंड मुख्तारपुर विलेज आपका है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ओके तो और जो यहाँ पे ग्रुप होता है पीपल का ये ऑर्गेनाइज होते हैं स्पेशल कैंप बनाते हैं और उसी कैंप में यंग गर्ल्स जो होती हैं उनकी मैरिज कराते हैं और उनको पढ़ाई करवाते हैं ठीक है एंड सेंड एम बैक टू स्कूल यहाँ पे आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज बोली जाए तो तेलुगु होती है इनकी लैंग्वेज ओके अब मुंबई क्या है लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की आपका और यहाँ पे बहुत पॉपुलेटेड सिटी भी है ये तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ट्रेवल करना है हमें दिल्ली टू तो मुंबई तो हमें क्या कौन कौन सी जगह क्रॉस करनी पड़ेगी दिल्ली राजस्थान एंड तब हम आ जाएंगे यहाँ पे महाराष्ट्र में Then, यहाँ पे क्या है विक्टोरिया टर्मिनस है डिस्टेंस यहाँ पे दिल्ली टू तो मुंबई आपको दी हुई है 1400 किलोमीटर है और यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन जो चली थी वो यहाँ चली थी मुंबई टू तो थाने 16 अप्रैल 1853 याद रखना है नाग है नागपांडा नाग पांडा क्या है नाग पांडा नब साना मंसूरी बास्केटबॉल टीम है जो की मुंबई से है सोलापुर मुंबई में है मार्केट विलेज महाराष्ट्र में है कफ परेड मुंबई में है बच्चू जो यहाँ पे बच्चू खान है प्ले ग्राउंड ये भी कहा है ये भी यहाँ मुंबई में है जिसका नेम पड़ा था आफ्टर द मुस्तफा खान कोच देन पकौड़े ऑफ शाहजहांज फ्लावर ये भी बहुत फेमस है एंड ये आता है आपका ट्रेडिशनल आर वर्ल्ड जो की है यहाँ की ही महाराष्ट्र की अब 19 जनवरी की मैं बात बताऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन आया था गोलकोंडा फोर्ट में गोलकोंडा फोर्ट किसने बनवाया है ठीक है तो गोलकोंडा फोर्ट के बारे में आप पहले पढ़ लीजिए कहाँ है ये हैदराबाद में है और जो पार्ट ऑफ द वॉल जो है इसका सर्कुलर होता है सर्कुलर शेप का होता है जिसे हम कहते हैं बेशांस और बुर्ज ठीक है एट्टी सेवन सच बेस्टेशन ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द गोलकोडा एंड कतुब शाही सुल्तान जो थे यहाँ पे रूल किए थे गोलकोडा में बिफोर ट्वेल्व हंड्रेड गोलकुंडा फोर्ट वॉज मेड विथ क्ले तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि किसने बनवाया है गोलकुंडा फोर्ट तो यहाँ पे क्या कह, कहती है हाई एंड राउंड वॉल्स हैव टू तो सी द डिस्टेंस बॉल्स अटैक्ड कुड भी मतलब कि कुछ भी अटैक्ड होने वाला होता है तो लोग देख लेते हैं दूर से क्योंकि ये बहुत ऊंचा होता है ठीक है तो औरंगजेब जब यहाँ अटैक करने आए थे तो वो अनसक्सेसफुल ही रह गए थे मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे क्योंकि जो यहाँ पे आर्मी थी वहां की उनकी जो अंदर से थी वो बहुत ही अटैक कर लेती थी क्योंकि उनको सब दिखाई दे रहा था एंड वहां पे वो मतलब आठ महीने तक वहीं वो किले के बाहर ही अपनी सेना के साथ रहे और किले के चारों तरफ खाई थी जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाए थे वो ठीक है नेक्स्ट जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज की बंदूकें बनाई जाती थी अब ब्रांज आपको पता होना चाहिए कि ब्रांज में क्या क्या चीजें होती हैं जो हजारों साल पहले से घूमते वर्ग कास्ट ब्रांज से चीजें बनाए बनाई जाती थी देन ब्रॉन्ज जो है वो एक तरीके का एलॉय होता है जो कि कॉपर एंड टिन से बना हुआ है तो यह आपका पेपर टू में भी क्वेश्चन या पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एंड सुल्तान अबुल हसन वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस तो ये भी याद रखना है वो शौकीन थे इस चीज के देन वेल एंड स्टेप की बात करते हैं सो so, बाउली बाउली स्टेप आपको याद रखना है इससे भी क्वेश्चन आते हैं मेन रीजन जो है वेल ड्राइंग का जो कुएं सूखे पड़ गए हैं वो किस लिए पड़ गए हैं क्योंकि यहाँ पे मोटर लगा ली गई है जो कि सारा ग्राउंड वाटर जो है वो सारा खींच लेती है सारा तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि झील जो है लेक वो क्या है कम होती चली जा रही है वहां का पानी जो है वो हटता चला जा रहा है ठीक है तो इसी वजह से रेन वाटर भी कलेक्ट नहीं हो पाता है लेक हट गई है आजकल की रिवर्स भी ठीक है तो सारी चीजें क्या है कि रेन वाटर ही गलत नहीं होगा सारा रेन वाटर वेस्ट हो जाता है ट्रीज और स्वास के पास लग गए यहाँ पे सीमेंट लग गया है पार्क वगैरह एरिया में आप चले जाए तो तो जिसकी वजह से पानी अंदर जा ही नहीं पाता है तो यहाँ पे लेटर एंड स्टेप वेल्स बनाए गए थे जो कि यूजफुल थे वाटर सोर्स को मतलब वाटर को संभालने के लिए वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन के लिए बट अभी क्या है हम घाड़ी सर की यहाँ पे पढ़ते हैं घाड़ीसी सर की तो घरसी सर जो है यहाँ पे सार मीन होता है पॉन्ड तो सर मीन्स पॉइंट होता है दैट मीन्स कि यहाँ बिल्ड किया गया था ये राजा घरसाई से तो राजा घरसी जो थे यहाँ पे उन्होंने जैसलमेर में यहाँ पे बनाया था घाट टाइप का जो कि आई डोंट था रानदास से रूम्स वगैरह लार्ज हॉल बनाए गए थे साइड साइड में तो ये क्या करते थे यहाँ पे एक पॉइंट नाइन पॉइंट से कनेक्टेड था मतलब अगर एक पॉइंट में पानी भर रहा है तो वो दूसरे में जाएगा फिर दूसरा तीसरे में जाएगा तीसरा चौथे में जाएगा तो ऐसे नाइन पॉइंट कनेक्टेड थे जिसकी वजह से नौ पॉन्डों से पानी मिलता रहता था और पानी की कभी वहां कमी नहीं पड़ती थी बट यहां पे क्या हुआ जैसे जैसे लोग अब बढ़ने लगे तो वहां पे उसको हमें कम करना पड़ा उसकी एरिया को और यहाँ पे क्या हो गया डिस उजड़ गया वो सारी मतलब जो भी कार से सर बना हुआ था सब कुछ उजड़ गया यहाँ पे हाउसेस एंड कॉलोनी बन गई एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी जो होता था सारे का तो सारा वेस्ट हो जाता था और पानी नहीं मिल पाता था वहां के लोगों को अब नेक्स्ट क्या है डेड सी के बारे में तो डेड सी जो होता है उसमें लोग फ्लोट करते हैं ठीक है ठीके? और इसमें वन लीटर में थ्री हंड्रेड ग्राम्स सॉल्ट रहता है बहुत ही सॉल्टी वाटर रहता है एंड जो फिशेज होती हैं इसमें मर जाती हैं क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी इतना ज्यादा अगर उसमें रहेगा अगर नमक तो ठीक है तो बॉइलिंग वाटर क्या है बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका पानी जो है सबसे ज्यादा क्लीन रहता है एंड ड्रिंकिंग डी वाटर अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आपको क्या हो जाएगा लूज मोशन हो जाएगा डायरिया हो जाएगा ठीक है लूज मोशन और वॉमिटिंग होगी तो आपका पानी आपकी बॉडी में कम हो जाएगा अब हम एक फेमस जिसके बारे में बात करते हैं जिनका नाम है लिंगू फेंग लिंग कहाँ की डिश है होंगकोंग की डिश है इस साल वैसे इसका क्वेश्चन सुनने को मिला नहीं है बट आ सकता है याद रखिएगा देन पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम जो है वो मेड होता है नेचुरली बट बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है उसमें मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं द क्रूड ऑयल कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड इज डार्क डार्क कलर का होता है हल्का सा गंध भी होती है उसमें ऑर्डर भी होती है बट उसको रिफाइन किया जाता है आफ्टर बींग रिफाइंड वो क्या होता and oil है उसमें केरोसिन डीजल पेट्रोल एंड ऑयल भी यूज होते हैं ऑयल वगैरह यूज होते हैं एयरक्राफ्ट एलपीजी मेमो एम विटोमिन बिकम्स ग्रीश ओके अनिमिया की बात करें सो so, अनिमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन और आयरन की डिफिशंसी से होता है और ये हमारा फिजिकल और मेंटल चीजों को भी इफेक्ट करता है और इससे बच्चे भी सही से कंसेंट्रेट करके पढ़ नहीं पाते हैं अब हम मलेरिया की सिंपल बात करेंगे सो मलेरिया क्या है एक तरीके का फीवर होता है रोनाल्डो रॉस ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था यहाँ पे उन्होंने ही ओरिजिन ओरिजिनेट किया था मतलब ढूंढा था कि मच्छर की वजह से ही मलेरिया हो रहा है तो एनोफिलीस एनोफिलीस फीमेल एनोफिलीस की, की वजह से होता है एंड यहाँ पे सिंकोना ट्री से इसका बार्क से मेडिसिन बनाई जाती है ओके तो आयरन का गुड सोर्स क्या होता है कि जो भी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं गोजबेरी हो गई ये सारी चीजें एंड हंगर कहाँ से डिटेक्ट होता है आपके ब्रेन में हाइपोथेलमस होता है उसकी वजह से आपको हंगर पता चलता है कि आपको भूख लग रही है और आपके यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ नाइन हंड्रेड होती है आपके टंग में ओके तो so, यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ नाइन हंड्रेड ग्रांड्स होती है आपके टंग में जब आप किसी चीज को चबाते हो तो सलाइन सलाइन जो होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है टाइलिन को जो कि आपका जो स्टार्च होता है माल्टोज उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है इसीलिए आपको जो जब आप कोई भी चीज खाते हो तो आपको मीठा मीठा लगने लगता है जैसे कि कोई भी ब्रेड वगैरह हो गई जिस चीज में स्टार्स होता है वो ठीक है तो यहाँ पे फोर कुकिंग मेथड होते हैं रोस्टिंग हो गया बॉइल हो गया फ्राई एंड बेक हो गया तो हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर होता है वो होता है थर्टी डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे जो स्टमक होता है उसमें जूस होता है वो एसिडिक होता है इसीलिए हमारे स्टमक का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है और यहाँ पे जो अचार वगैरह रखते हैं वो ड्राइट बॉटल में रखा जाता है ग्लास में जिसकी वजह से वो रिएक्ट भी ना कर पाए जब आपको डायरिया या वॉमिटिंग होती है तो हमें क्या दिया जाता है हमें पानी और नमक का घोल दिया जाता है डायरिया और वॉमिटिंग से हमारे पानी में हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आ, हमें शुगर एंड सॉल्ट का घोल लेना पड़ता है पानी में मिला के और इससे बचने के लिए यहाँ पे बच्चों को कुछ मेडिसिन भी दिया जाता है नेक्स्ट ब्रेन स्किप की बात करें तो so इसमें सिक्स पॉइंट्स होते हैं दैट्स स्टार्टिंग शार्प थिक पेपर पे उनको टच करके कर बच्चे पढ़ते हैं एंड लुइस ब्रेल जो थे वो फ्रांस के थे और एट द एज ऑफ थ्री वो प्लेइंग करते समय उनकी आंखों में टूल लग गया था इसकी वजह से उन, उनकी आई साइड चली गई एंड बट उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई में इसीलिए उन्होंने ये चीज इन्वेंट की एंड उसे लुइस स्क्राइब भी कहते हैं और इसमें स्क्राइब में सिक्स पॉइंट होते हैं स्क्राइम में सिक्स पॉइंट्स होते हैं और इसको अब कंप्यूटर में भी यूज किया जा रहा है अब नेशनल पार्क जो है वो एलिफेंट एंड लियो जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्वेश्चन आता है कहाँ पे है उत्तराखंड में है काजीरंगा कहाँ है काजीरंगा असम में है जो कि फेमस है वन हॉर्न डायनोसिरोज की वजह से गिर नेशनल पार्क आपका है गुजरात में जो चीता और बब्बर लॉयस की वजह से फेमस है बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है एलिफेंट एंड चीता की वजह से फेमस है इंडिया लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे है हिमीस हिमीस लेह में है जम्मू कश्मीर स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वो साउथ बटन है अंडमान निकोबार में मध्य प्रदेश में हाइएस्ट आपका नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री है ठीक है फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपका केबुल लमजाओ मणिपुर में है नेक्स्ट हम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें सो so, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है कोंकानी जो लैंग्वेज है वो गोवा में बोली जाती है एंड अगर आपका पैर का बोन टूट जाता है so आपको सिक्स वीक्स तक प्लास्टर लगाना पड़ता है और बहुत सारा जो राइस है वो काला हंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में उगाया जाता है नेक्स्ट है डेरा गाजी खान जो है वो पाकिस्तान के है एंड गिजू है बड़े का गुजरात से है जो कि बच्चों के लिए बहुत फनी एंड स्टोरीज एंड लेटर्स वगैरह लिखा था उन्होंने एंड सोना विलेज जो है हरियाणा गुड़गांव में है ऑन इट्स वे फ्रॉम सोना टू दिल्ली ओके सो दैट से टूडेज राइट बैंड थैंक यू सब्सक्राइब टू माई चैनल